समान काम समान वेतन ठेका प्रथा बंद करने के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी सीधे तौर पर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा में 2 दिन तक राज्यव्यापी हड़ताल कर चुके हैं, जिसके बाद राज्य कमेटी ने निकाय मंत्री कंवल गुप्ता से बातचीत की थी, लेकिन वार्ता विफल रही, जिसके चलते आज एक बार फिर से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हड़ताल पे जा रहे हैं जी कर्मचारी, दोबारा आप भी बैठे हैं जी, मन में कोई शौक थोड़ी है जी बैठने का, भी मन शौक है कोई, इन्होंने कच्चे कर्मचारी ना पक्के करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। प्रदर्शन हम ये राज्य कमेटी के आह्वान पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहले भी नेताओं की बात है कमल गुप्ता जी से हुई है, वो विफल रही, और अब भी पीछे कल की ही बात है कि राज्य स्तरीय उस पर कमेटी के साथ कमल गुप्ता जी की बात हुई और वो बात विफल रही है। बड़ी शर्म की बात है कि एक सफाई कर्मचारी को अपना वेतन पाने के लिए हड़ताल में बैठना पड़ रहा है, ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि सरकार ने देनी तो चाहिए थी बहुत बढ़िया फैसिलिटी देनी चाहिए थी, जैसा कि हम कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोरोना काल के अंदर हर कर्मचारी ने बहुत ही मेहनत से काम किया, उनको 4,000 रुपये जो कम भत्ता देने की बजाय मंत्री जी कह रहे हैं किसी को 2,000 देंगे, किसी को 4 देंगे, किसी को नहीं देंगे, काम तो सभी कर्मचारियों ने किया है, हर जोखम का काम करता है कर्मचारी, और उनको बाद में दिखाते हैं ये बाबा जी का ठंडू, बहुत शर्म की बात है। त्यौहार का टाइम है, दिवाली का टाइम है, लोग हिंदू धर्म के अंदर दिवाली को बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, और उस टाइम कर्मचारी ने हड़ताल करनी पड़ रही है, ये सरकार के लिए सरकार की विफलता ही कहूँगा और बड़ी शर्म की बात है। कर्मचारियों का कहना है कि वो त्योहारों के सीजन में हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। उनका कहना है कि आज कच्चे सफाई कर्मचारियों को मात्र 8,500 रुपए ही वेतन के तौर पर मिलते हैं, जबकि वो लोग दुर्लभ काम करते हुए पूरे शहर को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, और आज के बढ़ते महंगाई के दौर में इतने से पैसों में उनके घर का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, इसी के चलते वो सरकार से मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जैसे कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पेरोल के कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, और डोर टू डोर के रात्रि के कर्मचारियों को पेरोल पे किया जाए। जैसी आपकी मंत्री से बात होनी थी, आपने पहले भी हड़ताल की थी 2 दिन की, तो बात क्या रही? उनके साथ बातचीत हुई है राज्य स्तरीय, जो हमारे नेता हैं नरेश शास्त्री जी, उनके साथ विफलता पूर्वन ही उन्होंने हमें खाया वहाँ से, जो भी हमारे राज्य कमेटी के नेता हैं उनके साथ वार्तालाप विफल रही। तो अब आगे क्या है आपका? आगे जो भी हमारी राज्य कमेटी आदेश करेगी उसके हिसाब से हम हड़ताल जारी। तो परेशानियां क्या क्या आ रही हैं आपको, जिसकी वजह से आपको हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है? परेशानियां आप सभी को पता है कि आज की महंगाई के दौर में एक सफाई कर्मचारी की सैलरी 8,500 रुपए है, तो इसमें वो अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, ये काफी हमारे समाज को समस्या। आपकी हड़ताल से शहर को कितना नुकसान होगा? शहर को तो नुकसान हो गई, जैसे ही सफाई नहीं होगी तो उसमें तो आपको पता ही है, फिर इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी जो सफाई का काम करता है, इतनी गंदगी का काम करता है, उनको 8,500 रुपए सैलरी दी जा रही है। आपको बता दें, राज्य कमेटी की निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ हुई वार्ता में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, ठेका प्रथा बंद किए जाने के साथ साथ तमाम मांगों को रखा गया, लेकिन किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई, इसी के चलते सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि आगे राज्य कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसके हिसाब से ही आगामी कदम उठाया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अब सरकार क्या फैसला लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।